नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई नबात के साथ, मैं हूं अनंत भट्ट। गुजरते हुए गर्म मौसम और आने वाले सर्द मौसम के बीच हमारी जिंदगी में बहुत कुछ गुजरता है। दिन में गर्मी का एहसास होता है तो रातें ठंड के एहसास में गुजरती हैं। मौसम के इस उलटफेर में सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे शरीर को उठानी पड़ती है। अभी हाल ये है कि किसी का शरीर बुखार से तप रहा है, तो कोई टूटते बदन की वजह से बेहाल पड़ा है, किसी को सर्दी जुकाम है, तो कोई डेंगू होने के डर से सहमा हुआ है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर त्योहार के इस मौसम में मानो बीमारियों का सीजन सा आ गया है। तो आज मौसम और बीमारी के इसी कनेक्शन की करेंगे बात, जानेंगे बदलते मौसम के बीच कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। आज इस पर चर्चा के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उनसे चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अक्टूबर के त्योहारों वाले दिन चल रहे हैं, शहर शहर माता का दरबार सजा है, पूजा पंडालों ने शहर की रौनक बढ़ा दी है। कहीं गरबा हो रहा है तो कहीं माँ का जयकारा हो रहा है। कुल मिलाकर मौसम उत्सव का है और माहौल उत्साह का, लेकिन उत्सव और उल्लास के इन दिनों को फिलहाल तो बीमारी की नजर लग गई है। करीब करीब हर घर में कोई न कोई बीमार है, किसी का बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा तो कोई खांसी जुकाम से परेशान है। दिल्ली NCR के अस्पतालों में आपको आजकल इसी तरह की भीड़ दिखाई पड़ेगी। सुबह से ही सरकारी अस्पतालों में लोगों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। ये हम नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हैं और वजह ये है भीड़ की, क्योंकि मौसम बदल रहा है इसलिए बहुत सारे लोग सीजनल बीमारी से परेशान हैं, इसलिए भी अस्पताल में नंबर्स मरीजों के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतने भी लोग अस्पताल पहुंचे हैं, आपको उनमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बच्चे ही हैं जिनको सबसे ज्यादा सीजनल बीमारियां होती हैं। इनमें बुखार है, जुकाम है, खांसी आजकल बहुत परेशान कर रही है। ऐसे में ये लोग लगातार अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। अक्टूबर के इन दिनों में घर घर बीमारी यूं ही नहीं पहुंच रही, इसकी वजह मौसम के उतार चढ़ाव में छिपी है। मौसम ने हाल के दिनों में जिस तरह करवट ली है उसका सीधा असर सेहत पर पड़ा है। अब देखिए, पिछले रविवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन उसके ठीक दो दिन बाद मौसम बदला और मंगलवार को तापमान लुढ़क कर 26.2 डिग्री पहुंच गया। यही नहीं, बुधवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री था तो वहीं न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री दर्ज किया गया। जानकारों का मानना है कि मौसम का पल पल बदलता यही मिजाज हमारी आपकी सेहत बिगाड़ रहा है। सीजन बदलते समय ज्यादातर जो नॉर्मल वायरल फीवर और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, ये इसके होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, एकदम से ठंडा या एकदम से गर्म। आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सीलिया होते हैं वो आपको बचाते हैं इन्फेक्शन से, तो जहां एकदम से टेम्परेचर चेंज हुआ तो सीलिया पैरालाइज हो जाते हैं, और पैरालाइज होते तो जो भी कीटाणु वहां है, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, वो आपके म्यूकोजल डिफेंस को पेनेट्रेट करके इन्वेड कर जाते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि सीजन भले ही फेस्टिवल वाला हो लेकिन मौसम बीमारियों का चल रहा है। दिल्ली के अस्पतालों की बात करें तो यहाँ हाल के दिनों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। हाल के कुछ दिनों में बीमारियों की शिकायत लेकर पहुँचने वालों की संख्या में 20-25% का इजाफा हुआ है। दिक्कतें हवा में तेजी से जमते प्रदूषण ने भी बढ़ाई है, जिसकी वजह से बुखार, जुकाम और फ्लू का प्रकोप बढ़ गया है। बड़ा नंबर आपको यहाँ पर उन बुजुर्गों का दिखाई पड़ेगा जिन्हें पहले से सांस की बीमारी हो। ऐसे मौसम में उनकी सांस की बीमारी फिर से ट्रिगर हो चुकी है और इसी वजह से जो बुजुर्ग हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेगी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अलग से खास तैयारियां कर रखी हैं, सीजनल जो पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा अस्पतालों में हो रही है। जाहिर है बदलता मौसम सर्दी, तेज बुखार, गले में खराश और दर्द की वजह बन रहा है। कुछ मरीज तेज सिर दर्द की शिकायत भी कर रहे हैं, उल्टी दस्त, सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें बढ़ी हैं, और तो और एलर्जी और छींक जैसे लक्षण भी तमाम मरीजों में नजर आ रहे हैं। खतरा बच्चों पर भी है, माता पिता इसी उधेड़ बुन में हैं कि खुद के साथ
अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें। देखिए ऐसा है कि आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाओगे तो जो है आजकल त्योहार के दिन आ रहे हैं तो भीड़ में जो है अगर एक को रखा है तो आपको जल्दी पकड़ने में चांसेस हैं, तो इसलिए हम यही है कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले में ना जाएं और खान पान अच्छा रखें। कुल मिलाकर बीमारी के सीजन में कई घरों में त्योहारों का रंग फीका कर दिया है। एक और शरीर मौसम के उलट फेर में फंसा हुआ है तो रही सही कसर हवा में जमते प्रदूषण ने पूरी कर दी है। आप कह सकते हैं कि मौसम के मिजाज से लेकर हवा की प्रदूषित बयार तक हमारी सेहत के खिलाफ साजिश का पूरा इंतजाम है। अब चुनौती मौसम और प्रदूषण के इस चक्र से खुद को बचाने की है, खुद को सेहतमंद रखने की है। नोएडा से मनीष चौरसिया, चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ त्योहारी सीजन है और दूसरी तरफ बदलता मौसम और इस सब के बीच सवाल सेहत का कि त्योहारी सीजन में अपने को तंदुरुस्त कैसे रखें, चुस्त दुरुस्त कैसे रखें, सेहतमंद कैसे रखें, फिटनेस का ख्याल कैसे रखें, तमाम सवाल लोगों के जहन में है ताकि बीमारी इस त्योहारी सीजन में ग्रहण ना लगा सके। तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, फिलहाल दो मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ हैं, सीनियर फिजिशियन, बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका। और इसके अलावा योगाचार्य प्रियंका त्रिवेदी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी। साथ ही साथ योगासन के जरिए वो बताएंगे कि इस बदलते सीजन का सामना कैसे करना है, कैसे अपने शरीर को पुष्ट बनाना है जिससे कि इस बदलते सीजन में हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन सबसे पहले मैं स्वाति जी का रुख करना चाहूंगा। स्वाति जी, सबसे पहले तो उस साइंस को हम समझना चाहेंगे जो बदलते मौसम के कारण हमारे शरीर को प्रभावित करती है। आखिर विपरीत असर ट्रांजिशनल फेज में पड़ता क्यों है, शरीर इस तरीके से रिएक्ट करता क्यों है? नमस्कार अनंत जी। देखिए बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जब मौसम बदलता है तो हम लोग बीमारियों की चपेट में आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे संक्रमण होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि अगर हम कहेंगे जो वायरस और बैक्टीरिया या इस तरह के कीटाणुओं के द्वारा होती है, वो भी देखा गया है कि जब तापमान में फेरबदल होता है तो ऐसी स्थिति में ज्यादा तेजी से पनपते हैं, और खासतौर से जब ह्यूमिडिटी रहती है मौसम में तो इनको पनपने में आसानी होती है, और ऐसी स्थिति में हमने देखा है कि ये ज्यादा तेजी से फैलते हैं। वहीं अगर हम कहें तो मच्छरों का भी जो ब्रीडिंग सीजन है वो ज्यादातर यही मौसम रहता है, और ऐसे में उनके द्वारा जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो भी बहुत ज्यादा रहती हैं ऐसे वक्त पर। और वहीं अगर हम शरीर के बारे में बात करें तो जिस तरह से तापमान जब जल्दी जल्दी चेंज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मेलाटोनिन एक तरह का हमारे बॉडी का हार्मोन है जो कि अच्छे से सेक्रेट नहीं होता है, और इसकी वजह से जो हमारा इम्यूनिटी लेवल है शरीर का वो कम होने लगता है। वही हमारे विटामिन डी लेवल्स जो है बॉडी के वो भी चेंज होने लगते हैं, और साथ ही में ये भी देखा गया है कि खुश्की की वजह से, यानी कि जो हमारी एयरलाइंस जो हमारे हम बोले कि नाक से लेकर के हमारे विंड पाइप तक की जो लाइनिंग होती है वो भी ड्राई होने लगती है, और इसकी वजह से वो उतने अच्छे से इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती है जैसे कि अमूमन तौर पर करना चाहिए। तो इन सभी कारणों से, और साथ ही में हम देखें भी तो देखिए हम ध्यान नहीं देते हैं कि गर्मी लग रही है तो हल्के कपड़े पहने, और अचानक से ठंड हो गई तो कपड़े ज्यादातर कोई बदलना नहीं चाहता, या एसी में बैठे हैं तो उसे बंद नहीं करना चाहते, या जो खान पान है उसकी तरफ भी उतना ध्यान नहीं रहता है, बाहर से खरीद कर खाना, और कई बार हम देखते हैं कि जो बाहर खाना होता है वो जल्दी खराब होता है इस मौसम में, और उनके सेवन से भी कई बार लोगों को फूड पॉइजनिंग या तरह तरह की और समस्याएं जो है टाइफॉइड वगैरह वो सब कई सारी बीमारियां इस मौसम में जो है वो फैलती है। और इसके पीछे जैसे मैंने कहा एक तरफ जहां कीटाणु ज्यादा बन रहे हैं वहीं शरीर भी उतने अच्छे से उनको फाइट नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए हमें एक लॉन्ग टर्म अपने इम्यूनिटी के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि मैं आता हूं स्वाति जी आपके पास। और इस बीच हमारे साथ परमेश्वर अरोड़ा जी भी जुड़ गए हैं, आयुर्वेद आचार्य। डॉक्टर परमेश्वर आपका स्वागत है। अब हमारी बॉडी नेगेटिवली बदलते मौसम में रिएक्ट क्यों करती है, क्यों विपरीत असर इसके ऊपर आता है, आयुर्वेद इस बारे में क्या सोचता है? देखिए आयुर्वेद में बहुत स्पष्टता से एक शब्द को डिफाइन किया गया जिसको हम बोलते हैं ऋतु संधि। ऋतु संधि क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो पूरा साल होता है उसमें हमें सिक्स सीजन देखने को मिलते हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, और इन जो छह सीजन होते हैं इन छह सीजन में ये दो दो महीने के सीजन है, इसमें जो ऋतु जा रही है उसके अंतिम सात दिन और जो ऋतु आ रही है उसके पहले सात दिन, ये दो दो सप्ताह मिलकर के 14 दिन जो होता है इसको ऋतु संधि बोलते हैं।
और प्राकृतिक रूप से जो ऋतु संधि का समय होता है उसमें हमारी इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, तो इसलिए बदलते मौसम में जो है इन्फेक्शन का होना बहुत कॉमन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राकृतिक रूप से कम हो जाती है। और ऐसे समय में अगर आप जो है कुछ वायलेशन करते हैं खाने पीने का या लाइफ स्टाइल का, तो वहां आप एकदम तुरंत जो है बीमार पड़ जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इस समय बीमार क्यों पड़ते हैं, तो हम बीमार पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी, और वो होती है बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ऋतु संधि। जो ऋतु संधि होती है उसकी वजह से हमें जो है बीमारियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर हम अपने खान पान को ध्यान में रखें, अपनी जीवन शैली को ठीक रखें, और कुछ थोड़े थोड़े नुस्खे मैं आपको बताऊंगा जो इस समय आपको बिल्कुल बीमार नहीं पड़ने देंगे। आता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, नहीं आता हूँ, नुस्खे भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन बारी बारी से सारे मेहमानों के पास एक बार हम अपना रुख कर लें और सबका ओपनिंग कॉमेंट जो है हम ले लें। हम प्रियंका जी का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। प्रियंका जी, योग के बारे में कहा जाता है कि वो काया को निरोग बनाता है, क्या योग में ऐसे आसन भी हैं जिनके जरिए, जिस ऋतु संधि का जिक्र परमेश्वर जी ने किया, जिस ट्रांजिशन का जिक्र मौसम में स्वाति जी ने किया, उसके लिए हमारा शरीर तैयार हो सके? जी नमस्कार। सबसे पहले देखिए, योग का महत्व तो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि हमारा शरीर वात पित्त कफ इन तीन दोषों से मिलकर के बना होता है। तो इस जो बदलता सीजन होता है इसमें वात और कफ इस प्रवृत्ति की आप में ज्यादा अधिकता हो जाती है, जिसके चलते आपको सर्दी जुकाम और अन्य समस्याएं इन्फेक्शन जैसी होने लगती हैं। तो योगा में सबसे अच्छी इसमें कुछ क्रियाएं भी हैं, जैसे कुंजल क्रिया हो गई, नेति क्रिया हो गई, अगर इनको आप हफ्ते में एक बार अपनाते हैं तो ये कफ की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होती हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आप कुछ प्राणायाम ऐसे हैं उनको करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट रहता है, आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट रहता है, जिसकी वजह से आप कम बीमार पड़ेंगे। हेलो जी प्रियंका जी, आपकी आवाज आ रही है, आप आसन के जरिए भी बता सकते हैं, फुल फ्रेम आपको काट देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ आसन है जो कि बहुत ही आसान है, जिनको करके आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। उसमें से सबसे पहले तो अगर आपको आसन करना है तो वो है बटरफ्लाई पोज, जो कि इस तरीके से कर सकते हैं। इससे आपके लोअर एब्डोमेन पे पड़ने वाला इफेक्ट जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। अपनी टीम से कहूंगा कि इनको फुल फ्रेम, प्रियंका जी को फुल फ्रेम दिखा दें जरा। हाँ, इस तरीके से इसको करेंगे। इसके बाद आप दोनों पैरों को इस तरीके से रखेंगे, ये पार्वती आसन भी होता है जी। इसको करने से भी आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया जितना है वो स्ट्रांग बनता है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। और ये जो अपच जैसी समस्याएं इस मौसम में, खासकर त्योहारों का मौसम है तो हम लोग खाने पीने पे विशेष ध्यान देते हैं, तो इससे आपकी ये समस्याएं नहीं होंगी। इसके साथ साथ एक प्राणायाम भी बहुत इफेक्टिव है, उसके बारे में सब जानते होंगे। आप आसानी से किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हो, सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में। मैं यहाँ पे सुखासन में बैठी हूँ। कपालभाति, जिसके बारे में हर कोई जानता है लेकिन उसको करने की क्या तरीके हैं वो भी जानना जरूरी है। जैसे जिनका बीपी हाई रहता है तो उनको कम कम स्ट्रोक्स लगाने हैं, जिनका बीपी नॉर्मल रहता है तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, सांस छोड़ते हुए आप अपनी सांस को। प्रियंका जी, आपसे हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया, मैं सीधे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रांजिशन ऑफ सीजन है, ये जो मौसम का ट्रांजिशन है, इसमें क्या किसी पर्टिकुलर आयु वर्ग के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, या फिर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, सभी समान रूप से प्रभावित होते हैं, या फिर किसी खास आयु वर्ग को विशेष प्रिकॉशन की जरूरत होती है? देखिए, जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जो लोग बहुत लंबे से इलाज जिनका चल रहा हो, या इम्यूनो सप्रेसेंस वगैरह जैसी हम दवाइयां बोलते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी की को कम करती हैं, उन दवाइयों पर जो लोग होते हैं वो हमेशा जब भी सीजन चेंज होता है तो अगर बीमार भी जल्दी पड़ते हैं, और अगर बीमार पड़ते हैं तो उनकी तीव्रता भी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए ये वर्ग को ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। और वहीं मैं बोलूँगी कि एक अमूमन तौर पर भी जब मौसम बदलता है तो कुछ चीज़ें हमें ज़रूर चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा जो पहनावा है, हमारा जो खान पान है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। ख़ासतौर से जो मौसमी फल और सब्जियाँ आते हैं ऐसे वक्त पर, उनका सेवन हमें करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनमें वो सभी पोषक तत्व होते हैं जो कि उस सीजन से लड़ने की आपको मदद देते हैं, ताकि जो भी बदलाव आपके शरीर में आएगा वो आप आसानी से उसको पार कर सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, और खास तौर से क्योंकि अभी नजला, जुकाम, बुखार, इन सब चीजों की समस्या
समस्याएं ज्यादा आती है, तो ऐसे में विटामिन सी का सेवन जो होता है वो जी बहुत अच्छा रहता है। और वो हमें अमूमन तौर पे जितने भी फल सब्जी इस वक्त पर आ रहे होते हैं, खास तौर से जैसे हम आंवला बोले, नींबू बोले, या हमारे जो जैसे नारंगी है या संतरा है और साथ में शकरकंदी है, तो ये बहुत सारे ऐसे फल सब्जी आते हैं जिनमें अच्छी मात्रा में होता है, तो इनका सेवन जो है वो हमें जरूर बढ़ा लेना चाहिए। वही मैं बोलूंगी पानी के बारे में जरूर याद रखें कि उसका सेवन भी हमें लगातार करते रहना है, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन होता है जो हमें पता नहीं चलता है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्मियों में ज्यादा पानी पीना है और सर्दियों में बिल्कुल छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो एक इस चीज की तरफ भी लगातार हमें ध्यान रखना है। दूसरा, क्योंकि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है और आपको बाहर भी निकलना है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपनी त्वचा का भी जो है अच्छे तौर से ध्यान रखें, तो मॉइस्चराइज अच्छे से करें, सनस्क्रीन लगाएं। ये भी लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि जब बहुत तेज धूप है तभी सनस्क्रीन लगाना है, अगर बादल है या सर्दियां आ गई है तो सनस्क्रीन नहीं लगाना है। तो ये भी ध्यान रखें कि ऐसे समय में भी हमें सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए, वो हमारी त्वचा को यूवी रेडिएशन से बहुत ज्यादा सुरक्षा देती है, तो वो हमें लगातार करते रहना है, इस बात का हम ध्यान रखें। और नींद और एक्सरसाइज दो चीजें हैं जिनको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर आप कम सोते हैं तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपकी मेमोरी वीक होगी, आपका वजन ज्यादा होगा और आपका इम्यूनिटी लेवल जो है वो मैं आता हूं स्वाति जी आपके पास। इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर जेपी मल्होत्रा हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि इस मौसम में जो लोग हैं वो थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हैं। कंफ्यूज इस मायने में कि किसी दिन तापमान डिप कर गया तो गर्म पानी से नहा लिए, 4 दिन बाद तापमान फिर से अप कर गया तो फिर से ठंडे पानी पर आ गए, तो ये जो स्विच ओवर है ठंडा गर्म के बीच, ये कितना प्रभावित करता है हमारी इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी को, और किस रूप में? आप हमें सुन पा रहे हैं डॉक्टर जेपी मल्होत्रा? चलिए, अभी हमारा संपर्क लगता है डॉक्टर मल्होत्रा से स्थापित नहीं हो पाया, जैसे संपर्क स्थापित होगा उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा का हम फिलहाल यहां पर रुख करेंगे। डॉक्टर परमेश्वर, आप उस समय जिक्र कर रहे थे कि कुछ ऐसे नुस्खे आप बताएंगे जो हमारी इम्यूनिटी को इस बदलते मौसम में स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे, इसके लिए तैयार करेंगे, तो वो कौन से नुस्खे हैं? अक्सर हम देखते हैं कि हमको वायरल इन्फेक्शन होते हैं, हमको कफ कोल्ड होता है, फीवर हो जाता है, तो ऐसे में अगर सुबह के समय घर पे तुलसी, काली मिर्च और बेल पत्र, इनका काढ़ा तैयार करके सब लोग चाय की तरह से, हर्बल टी की तरह से आप इसमें गुड़ मिला सकते हैं, रोज एक एक कप आप लेना शुरू करें तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और आपको इन जनरल वायरल इन्फेक्शन भी कैच नहीं करेंगे आप। तो पुनः रिपीट करता हूँ कि आप तुलसी के 10 पत्ते, काली मिर्च के 8-10 दाने पीस करके और 8-10 पत्ते बेल पत्र, ये लगभग 1 लीटर पानी में आप डाल करके उबालिए, 15 मिनट उबाल दीजिए, आपको काढ़ा तैयार हो गया। और सब लोग जो है आधा कप जो है वो ले सबके, और जो छोटे बच्चे हैं उनको कम मात्रा में दें, थोड़ा सा शहद मिला के दें, मीठा करके दें, लेकिन ये एक बहुत ही शानदार नुस्खा है जो आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा। दूसरा, रात में सोते समय आप हल्दी के दूध का सेवन करें, तो हल्दी का दूध जो है उसके बनाने का तरीका बहुत ही क्लियर है कि आप 1 कप दूध लें, 1/2 कप पानी लें, उसमें 1/4 चम्मच आप हल्दी डाल करके उसको गर्म करें, और गर्म करके लगभग जब अच्छा उबल जाए तो छान करके उस पीले दूध को लें, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। मुनक्का का सेवन इस समय बहुत अच्छा होता है, मुनक्का के 4 से दाने सुबह, 4 से दाने शाम को आप खाइए, तो उससे भी आपका बल बना रहता है, आप इन्फेक्शन कैच नहीं करते। और एक चीज और ध्यान जोड़ना चाहूंगा कि हमारे पास अपने किचन में और सो कॉल्ड देसी नुस्खे इतने अच्छे अच्छे हैं कि इमीडिएटली फॉर कफ एंड कोल्ड वी शुड नॉट गो फॉर एंटीबायोटिक्स काइंड ऑफ मेडिसिन, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं हमारा पेट खराब होता है, उल्टी दस्त लगते हैं, गैस्ट्राइटिस होता है, फिर एक के बाद एक मकर जाल में फंसते चले जाते हैं। तो कुछ ऐसी बेसिक मेडिसिन जो कहने को मेडिसिन है आयुर्वेदिक, लेकिन वो आप चाहें तो आप घर पे बना सकते हैं, जैसे सीतोफलादी चूर्ण। अब सीतोफलादी चूर्ण जो है हम अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं, प्राउडली कह रहा हूं कि डॉक्टर परमेश्वर, डॉक्टर परमेश्वर, डॉक्टर अरोड़ा, मेरा सवाल यहाँ पर यह है, जो मेरा कहना है कि मेडिसिन चाहे आयुर्वेद की हो, मेडिसिन चाहे एलोपैथ हो, वो एक जो कंसल्टेंट हैं, जो उस चीज़ के जानकार हैं, उनकी ही देखरेख में ली जाए तो बेटर है, घर में एक्सपेरिमेंट ना करें तो बेटर है, क्योंकि उसका हो सकता है कि वो विपरीत। जी मेडिसिन
जिस मेडिसिन में, मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपने कहा, मैं बताना चाहूंगा कि सीतोफलादी चूर्ण आप घर पे बनाइए, उसमें मिश्री पढ़नी है, उसमें पिपली पढ़नी है, उसमें इलायची पढ़नी है, उसमें दालचीनी पढ़नी है, जी मंसूरपन पढ़ना है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो अभी अनफॉर्चुनेटली अब हम लोग घर पे बनाते नहीं है, तो बाहर से खरीदनी पड़ती है। लेकिन अब इलायची पिपली दालचीनी को आप मिश्री को दवा कहेंगे तो कहिए, लेकिन बेसिकली ये होम रेमेडी है। लेकिन खांसी के लिए इतनी अमृत जैसी गुणकारी, आपको खांसी जुकाम हो, गला खराब हो, आप सीतोफलादी चूर्ण शहद मिला के लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। तो आप इसको दवा लगवाएंगे। मैं आता हूँ डॉक्टर अरुणा आपके पास, मैं आता हूँ और ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हर बॉडी कंडीशन के लिए, हर बॉडी टाइप के लिए ये तमाम नुस्खे काम आते हैं, या फिर अगर किसी को कोई प्री मेडिक कंडीशन है तो उसके लिए कुछ अलग सोच, कुछ अलग तरीका उसके लिए होगा। मैं आपसे ये समझूंगा। मैं डॉक्टर जेपी मल्होत्रा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर मल्होत्रा, स्वागत है आपका। ये जो ट्रांजिशन, मौसम के ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में अब ये है कि जो लोग पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं या जो लोग बच्चे हैं, और ये जो हमारा स्विच ओवर होता है ठंडे से गर्म का, गर्म से ठंडे का, ये कैसे और किस रूप में हमें प्रभावित करता है इस बदलते मौसम में? डॉक्टर मल्होत्रा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है डॉक्टर मल्होत्रा से हमारा संपर्क स्थापित ही नहीं हो पाया है। हम सीधे रुख करेंगे प्रियंका त्रिवेदी जी का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, आपने कुछ शुरुआती आसन बताए थे जिनके जरिए हम इस बदलते मौसम में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकते हैं, अपने शरीर को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली पूछें, क्योंकि बहुत सारी इस मौसम के अंदर प्रदूषण का भी मसला होता है, उसमें एलर्जिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर जो एलर्जिक कंडीशन के लोग हैं उनके लिए कौन कौन से जो आसन है वो फलदायी हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं? क्या रहती, उनको योगिक क्रियाएं करनी चाहिए आसन की बजाय, क्योंकि आसनों में उनको इतनी इम्यूनिटी पावर बूस्ट नहीं हो पाती कि वो लंबे समय से किसी आसन में रह सके। तो उनको सबसे पहले क्रियाओं पे ध्यान देना चाहिए, उसमें से कुंजल क्रिया है। कुंजल क्रिया की प्रक्रिया इस तरीके से, अगर आपको एलर्जी हो रखी है तो आप उस समय सुबह मॉर्निंग में उठ करके फ्रेश होने के बाद आप लगभग 4 ग्लास पानी गुनगुना कीजिए, उसमें आधा चम्मच नमक डाल करके उसको उकड़ू बैठ के धीरे धीरे पिए। इस तरीके से बैठना होगा आपको, कुछ इस तरीके से, और धीरे धीरे सिप सिप करते हुए आप पानी पिए। कुछ देर ऐसे बैठें, फिर इन दो फिंगर्स को इस तरीके से गले में डाल करके पूरा आप वोमिटिंग टाइप ही करेंगे, जिससे आपका म्यूकस निकल जाएगा जो कि एलर्जी को बढ़ावा देता है और आपको एलर्जी उससे नहीं होगी। और इसके साथ साथ अनुलोम विलोम विलोम प्राणायाम भी एलर्जी में बहुत ही फायदेमंद है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको कैसे करना है, किसी भी आसन वाले पोस्चर में आपको बैठना है, दुखासन, वज्रासन या पद्मासन। इस तरीके से आप सबसे पहले दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाई नाक से लंबी गहरी सांस खींचेंगे अंदर की तरफ, कुछ देर रोकेंगे, फिर दूसरी तरफ की नासिका से सांस को बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से आप दाहिनी तरफ से अंदर की तरफ खींचेंगे, कुछ देर रोकेंगे, फिर बाई तरफ से निकालेंगे। इस प्रक्रिया को कम से कम आपको 10 से 12 बार करना है तो ये आपका एक चक्र पूरा होगा। ऐसे आप 3 से 5 सेट कर सकते हैं दिन में, किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें आपने खाना खाया है नहीं खाया इसका कोई महत्व नहीं है, किसी भी समय कर सकते हैं जब आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हैं। मैं आता हूं डॉक्टर प्रियंका आपके पास। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का हम रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर स्वाति, हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रांजिशन होता है, स्विच ओवर होता है गर्म से ठंडा, आज तापमान ज्यादा है ठंडे पानी से नहालिए, कल तापमान कम हो गया गर्म पानी से नहालिए, फिर अचानक तापमान में बदलाव हो गया उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लिया, ये कितना प्रभावित करता है हमारी बॉडी को? देखिए, डेफिनेटली जब हम ये स्विच ओवर करते हैं तो इससे प्रभावित होते हैं, और इस साल तो हम अलनीनो इफेक्ट भी देख रहे हैं जिसकी वजह से तापमान में बहुत जल्दी जल्दी फेरबदल हो रहा है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे तापमान में बदलाव है वैसे ही वैसे हमें भी उन चीज़ों को अपनाना जरूरी है। हमारा पहनावा उस तरह से होना चाहिए, हमारा खान पान उस तरह से होना चाहिए। जैसे आपने नहाने की बात करी तो वो भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब ज्यादातर क्या होता है कि लोग गर्म पानी से नहाए और एकदम से एसी में आकर बैठ गए, या कपड़े उस हिसाब
से नहीं पहने, तो इन सब चीजों की वजह से ज्यादा दिक्कत होती है। तो हम जो एक बदलाव करें वो पूरी तरह से करें और सही बदलाव करें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, हम इस बीमारी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। साथ ही हमें देखिए एक बहुत जरूरी चीज जो याद रखने की वो ये है कि खास तौर से जब ये मौसम का बदलाव होता है तब हम देखते हैं कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक या ब्लड प्रेशर, इन सब की समस्याएं ज्यादा बढ़ती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक अगर हमें कोई डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, इस तरह की कोई दवाइयां चल रही हैं तो उन्हें हमें नियमित लेना है। लोग ज्यादातर ये दवाइयां कभी लेते हैं कभी छोड़ देते हैं, तो ये नहीं करें। और दूसरी चीज, अपना एक रेगुलर चेकअप कराना साल में लग एक बार तो बहुत ही जरूरी है, तो उसे नहीं मिस करें, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी डेफिशिएंसीज होती हैं या छोटे छोटे फेरबदल होते हैं जिनको हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं या बीमारियों को समय पर पकड़ सकते हैं, तो वो अगर हम कर ले तो उससे भी हम कई बार जो आगे आने वाली मुसीबत होती है उससे बच सकते हैं। और साथ ही अभी फ्लू शॉट्स जो है वो आने वाले महीनों में उपलब्ध होंगे, तो खासतौर से जो बुजुर्ग है, बच्चे हैं या जिनको पहले से फेफड़ों की बीमारियां हैं, ऐसे सभी लोगों को वो शॉट्स लगवाने चाहिए जो कि हर साल आता है, जो कि हमें होने वाली जो जी। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आता हूँ, और भी बातें आपसे कर रही हैं, हम सीधे रुक करेंगे डॉक्टर अरोड़ा का जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जो हम ये जानना चाह रहे थे कि मान लीजिए किसी के पास कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई डायबिटिक है, कोई बीपी है, तो ये जो आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं ये सबसे सब पे समान रूप से लागू होते हैं, या इसमें मेडिकल कंडीशन को भी देखना अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी नुस्खा अपनाने से पहले किसी प्रैक्टिशनर के पास जाएं और उनसे पूछें कि हमारी ये हिस्ट्री है, ये हमारी बॉडी कंडीशन है, ये हमारा बॉडी टाइप है, ये हमें सूट करेगा या नहीं करेगा? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको सुबह काढ़ा पीना चाहिए, तुलसी, काली मिर्च और बेल पत्र का, तो आप इन जनरल हमें देखने को मिलता है कि लोग, हमारे परिवार के लोग डायबिटिक होते हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, तो ऐसा इन तीनों चीजों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ध्यान बहुत देना पड़े, तो आप इसको सही मात्रा में ले सकते हैं। फिर मैंने रात में हल्दी के दूध की बात की जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखेगा, एंटीसेप्टिक है, छोटे मोटे जो गले के इन्फेक्शन है वो हल्दी वाले दूध से ठीक हो जाते हैं, उसमें भी कहीं पे कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे मेडिकल कंडीशन, जहाँ पे हम ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट को रेस्ट्रिक्ट करें। अब बात आती है कि अगर आप मुनक्का भी अगर आप 4-6 दाने सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, यानी यू आर डायबिटिक, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे बहुत अधिक प्रॉब्लम आने वाली है। एंड लास्टली जो मैंने बोला, सीतोपलादी चूर्ण, खदीर आदि वटी, अब सीतोपलादी चूर्ण में बहुत हल्की मात्रा में मिश्री पड़ती है और आपने आधा चम्मच खाना है, वो भी जब आपको कफ कोल्ड हो जाए, सो फॉर 3-5 डेज देयर विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम। और छोटे बच्चे जो पैदा होता है बच्चा, उसको भी आप सीतोपलादी खा सकते हैं, यूथ ले सकते हैं, हमारे एल्डरली ले सकते हैं विदाउट एनी हार्म। तो सीतोपलादी चूर्ण आप लीजिए। और बात करते हैं कि और खदीर आदि वटी, अब ये कत्थे की बनी हुई टैबलेट होती है जो इस समय थ्रोट इरिटेशन होता है, जिसमें हम इस तरह की फीलिंग हमें रहती है कि थ्रोट में कुछ कंजेशन है एलर्जी कंडीशन की वजह से, वहां पे इवन इफ आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, खदीर आदि वटी इज सुटेबल टू ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स। तो मोटे मोटे तौर पर अगर किसी चीज को आपको थोड़े दिन के लिए लेना है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे बहुत जरूरी नहीं कि आप कफ कोल्ड के लिए इमीडिएटली या रश टू आता हूं डॉक्टर और आपके पास मैं सीधे प्रियंका जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। प्रियंका जी, जो सबसे बड़ी दिक्कत इस पूरे ट्रांजिशनल मौसम में आती है वो आती है हमारे डाइजेशन की। ये माना जाता है कि डाइजेशन हमारा कमजोर हो जाता है इस ट्रांजिशनल फेज के अंदर, तो इस डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करें, उससे जुड़े यौगिक क्रियाएं, उससे जुड़े योगासन आप हमें बताइए, पहली बात। दूसरी बात ये कि सांस में तकलीफ एक आम समस्या है, इसकी वजह मौसम भी होता है, इसकी वजह प्रदूषण भी होता है, इसकी वजह एलर्जीज भी होती हैं, तो इसको हम कैसे इम्प्रूव करें इसके बारे में भी बताइए योगिक आसन के जरिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो अगर बात करते हैं कि डाइजेशन, तो आप सब योगा में भी बताया गया, आप अपने आहार विहार का विशेष ध्यान रखें, किस मौसम में क्या चीजें खानी इसका आप ध्यान रखें। और खाना खाने के बाद अगर आप 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाते हैं तो मुझे लगता है आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो वज्रासन आपको कैसे करना है, इस तरीके से दोनों पैर मोड़ करके, घुटने मोड़ करके इस तरीके से आपको बैठना है, सीधी पीठ करके, गर्दन सीधी करके 5 मिनट खाना खाने के बाद। एक तो ये हो गया वज्रासन। फिर यहीं से डाइजेशन को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, और जिनको डायबिटीज प्रॉब्लम भी रहती है, डायबिटिक हैं जो, वो लोग भी कर सकते हैं मंडूकासन। इस तरीके से मुट्ठियां बना करके आप यहाँ पे रखेंगे जहां पे आपकी नाभि होती है उसके दोनों तरफ, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे कुछ इस तरीके से, कुछ अपनी मुट्ठियों को वहीं पे रोटेट करिए, रोटेट करते करते ऊपर आएंगे। इस क्रिया को आप 4-5 बार करें,
ये आप खाना खाने के 3 घंटे बाद कर सकते हैं और खाली पेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और भी बहुत ही इफेक्टिव आसन है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखता है, तो वो है मस्तेंद्रासना। मस्तेंद्रासन आपको कैसे करना है, आप एक पैर को इस तरीके से मोड़ लीजिए, दूसरे पैर को यहाँ पे रखिए और अपने अपोजिट हैंड को जो पैर आगे की तरफ उधर ले जाइए और दूसरे हाथ को पीछे ले जाइए, पीछे की तरफ देखिए। यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे और आपके पेट में जो मरोड़ हो रहा है उसको आप महसूस करेंगे। आप हर एक क्रिया को करेंगे उसमें जो आपको स्ट्रेचिंग फील होती है, आपको जो फोर्स पूरी जो इफेक्ट लगता है उसको महसूस करें, वो आपको इफेक्ट करता है। तो श्वास प्रश्वास आपकी पीछे नॉर्मल रहेगी, श्वास छोड़ते हुए आप वापिस आ जाइए, इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएंगे। योगा में कहा गया है कि आप जिस आसन को एक तरफ से करते हैं उसको दूसरी तरफ करना भी बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, तो इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ भी दोहराएंगे। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है। ये 3 आसन अगर आप इस सीजन में, ये 3 आसनों को भी अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बना रहता है पूरे सीजन। ये 3 आसन ही बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब आपने बात की थी एलर्जी को लेकर के, तो देखिए एलर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपकी ब्रीथ कैसी, आप कैसी ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं कि किस छोटी छोटी सांसें लेते हैं। श्वास प्रश्वास की गति भी बहुत मायने रखती है, बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो उन लोगों को एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुछ लोग डीप ब्रीथ करते हैं और कुछ दिन भर में कभी भी डीप ब्रीथ नहीं करते, उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप दिन में 5 से 8 बार डीप ब्रीथ जरूर करें। कैसे करना है आपको, लंबी गहरी श्वास लें, इस तरीके से 5 से 10 बार आप इन सांसों को भी जरूर लें। इस क्रिया को अगर आप करते हैं अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो मुझे लगता है आप एलर्जी और आप डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं, एलर्जी को दूर कर सकते हैं। मैं आता हूं प्रियंका जी आपके पास, मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का रुख करूंगा। डॉक्टर स्वाति, आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि वो कौन से जरिए तरीके हो सकते हैं कि दवा खाने की नौबत ना आए, वो कौन सी प्रिकॉशंस हो सकती हैं जिनको हम लेकर दवा खाने की नौबत ही ना आए, हम इन एलर्जीज से बचें, हम इन मौसमी बीमारियों से बचें। एक हमने तरीका अपनाया था मास्क पहनने का कोरोना काल के अंदर, क्या ये जो ट्रांजिशनल मौसम होता है इसमें वो कारगर साबित होगा? देखिए मास्क पहनना हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि बहुत सारे एयरबॉर्न इन्फेक्शन जो होते हैं वो खास तौर से इस वक्त पर फैलते हैं। कोविड जैसी ही बीमारियां जो हैं, बहुत सारी फ्लू और तरह तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं, निमोनिया वगैरह जो करते हैं, वो सब भी इसी तरह से ट्रांसमिट होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति ने खांसा छींका या उसके बोलने से जो कण निकले वो दूसरे व्यक्ति के अंदर गए और उसको वो बीमारी हुई। तो एक मास्क लगाने से हमें डेफिनेटली ये फायदा होता है। दूसरा, क्योंकि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में N99 या N95 मास्क अगर आप लगाएं तो उससे भी जो है हमारी जो फेफड़े हैं वो काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। और जैसे अब हम देखते भी हैं प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR में लगभग 9 साल जो है वो उम्र कम हो चुकी है। और प्रदूषण एक ऐसी चीज है जो ना केवल फेफड़ों पे बल्कि हमारे शरीर के हर अंग पर बुरा असर डालती है, तो हमें कोशिश करना है कि हम उससे बचे। साथ ही देखिए बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं या ऐसे वक्त पर वॉक करते हैं जिस वक्त प्रदूषण जो है वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर होता है, तो आप ऐप के जरिए या इंटरनेट पे आसानी से AQI लेवल्स चेक कर सकते आपके रीजन में क्या है और उसके हिसाब से जो है आप टहलने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए निकल सकते हैं। या अगर आपको लगे कि AQI लेवल बहुत ज्यादा है और आपका समय मैच नहीं हो रहा है तो घर के अंदर आप आसानी से, जैसे अभी योग गुरु ने दिखाया, आप आसन कर सकते हैं। बहुत सारी घर के अंदर रहते हुए एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं जिससे आप तंदुरुस्त भी रहे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हमें एक चीज बहुत जरूरी है कि हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या वॉकिंग अपने जो जीवन शैली है उसमें रोजमर्रा में लेकर के आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो बदलते मौसम के साथ आपका जो शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे अच्छा रखेगी। और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी अच्छी है तो मौसम चाहे कितना भी बदले हम बीमारियों की उसमें गिरफ्त में नहीं आएंगे, अगर हम इस बात का ध्यान रखें। तो अच्छा जो है मैं बोलूंगी सेवन करें खान पान का और साथ ही एक्सरसाइज कुछ ना कुछ जरूर करें। ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति आपका इतने विस्तार से तमाम चीजों को समझाने के लिए। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने वो तरीके बताए हैं, वो नुस्खे बताए हैं जिनके जरिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं इस बदलते मौसम के बीच भी और त्योहारों का पूरा आनंद लगा ले सकते हैं बिना किसी बीमारी के डर के। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का।